सभी दर्शकों को ऋषिपाल दूंड का नमस्कार। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं दौड़। ये जो दौड़ है जींद डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव है और अभी फिलहाल दौड़ में देखिए पूरा गांव इकट्ठा बैठा है बाबा श्याम के मंदिर में। और आज यहां से यहां का बेटा है राधे श्याम शर्मा जी, एक नई शुरुआत, एक नया सूर्य उदय करने जा रहे हैं। बीजेपी की पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, आइए उनसे भी थोड़ा आपको मैं रूबरू कराता हूँ। यहाँ काफ़ी बुजुर्ग भी हैं, नौजवान हैं, फिर बताता हूँ। पूरा गांव एक सूत्र में बंध के राधे श्याम को आशीर्वाद देते हुए। दोस्तों हमारे साथ जुड़ गए हैं राधे श्याम। आपको इनकी एक विशेषता बताता हूँ, ये बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ये पिछले दिनों इन्होंने गाँव में कुश्ती दंगल करा, बहुत बढ़िया, और दूर दूर से पहलवान आए। आइए आज आपको थोड़ा राधे श्याम से रूबरू कराता हूँ। भाई साहब टोरादून पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले टोरादून देखने वाले वो सभी आपके दर्शकों मेरा नमस्कार प्रणाम। राधे श्याम जी, क्या मन में आई राजनीति में जाने की? जी राजनीति के लिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जो यहाँ राजनेता है इन्होंने हमारे देश को धर्म में, जातवात में, अलग अलग दिशाओं में गलत तरीके से भटकाया है। और इसके साथ दूसरा ये है कि जो मेरे बुजुर्ग है, मेरे पिता समान है, जो मेरे पूरे हलके की जो आवाज़ है, सभी को आवाज़ उठाने में मैं सक्षम रहूँगा। भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी, आखिर राजनेताओं ने हमारे देश को बांटा है, हमारे देश को लूटा है, हमारे में बहुत बड़ी फूट डाली है। उस फूट को दूर करते हुए मैं पूरे भाईचारे को इकट्ठा देखना चाहता हूँ, एक छतरी के नीचे देखना चाहता हूँ। आपने भाई साहब बीजेपी क्यों चुनी, कांग्रेस क्यों नहीं चुनी? बीजेपी वो पार्टी है जो हमारे देश को आगे ले जाने के लिए एक सत्र ही है, और इसने कभी भी किसी प्रकार की कोई ये नहीं किया कि ये छोटे परिवार से है, ये बड़े परिवार से है, ये उस नेता का बच्चा है। इसमें कोई भी कभी भी कुछ भी संभव है। जैसे आपने हमारे सीएम साहब देखे होंगे, ये बहुत ही गरीब फैमिली से और साधारण से परिवार से हैं, और दे हरियाणा के प्रधान सेवक के रूप में हैं। और इसके साथ ही साथ अभी 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा कि एक गरीब से परिवार से जन्मे, सोनीपत से, बड़ोली गांव से, मोहनलाल बड़ोली जी जो इसके सेवक रहे हैं, देश की सेवा में समर्पित रहे हैं, वो उन्होंने प्रदेश की पार्टी के मुखिया के रूप में मनोनीत किया है। इस पार्टी में यही एक खास वजह है कि इसमें जो देश को और अपने सभी को एक साथ लेके, सभी भाईचारे की भावना से, चाहे वो स्कूल की बात हो, शिक्षा की, या हॉस्पिटल की बात हो, या गांव के या हल्के के विकास की बात हो, सभी को एक साथ ले जाने के लिए जो समृद्ध है वो इस पार्टी में है। इसके अलावा और किसी में मेरे को नज़र नहीं आई। राजीव श्याम जी, हमने अभी चुनाव हुआ था लोकसभा का, हमने भी काफ़ी उठाया मुद्दा, एक जुड़ाने का बहुत बड़ा मुद्दा है। एक तो अपने मेम रोड पर, एक काशी रोड पर ब्रिज नहीं है। अगर भगवान ने आशीर्वाद चाहा, जोलाने ने आशीर्वाद दिया, क्या ये समस्या उठाओगे चंडीगढ़ में जाके? मुझे मेरा हल्का, मेरे भगवान तुले मेरी जुलाना हल्का की जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है और बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। मैं इसकी आवाज़ विधानसभा तक झुकने नहीं दूंगा, और इसकी हर मुद्दे को लेकर, चाहे वो आसी फाटक वाली बात हो और चाहे मैम रोड वाली फाटक हो, इस पर फ्लाईओवर के लिए बुलंद से बुलंद आवाज़ उठाऊंगा। और मेरे हल्के के विकास कार्य के लिए मैं हमेशा तन मन धन से पूरे हल्के के साथ खड़ा रहूंगा, और इनकी पूरी आवाज़ जो गांव गांव की जो आवाज़ है, इसको अपने विधानसभा तक ले जाने का काम करूंगा। राधे श्याम जी, 75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, हमने बहुत एमएलए बनाए और जोलाने हल्के कई मंत्री बने, यहाँ जोलाने में मड़ाई खाई और चंडीगढ़ में इसी के नीचे लूट मारी, क्या राधे श्याम ऐसे तो नहीं करेगा? इन्हीं जो नेताएं हैं, जो हमारे पुराने नेता हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, लगातार हमने देखा है कि जुलाना का विकास सबसे बैकवर्ड में आता है। अभी तक इन्होंने क्या है कि अपना घर भरने का काम किया है, अपने यारे प्यारे घर और रिश्तेदार को मजबूत करने का काम किया है। जुलाने के हल्के की जनता ने जो ये भगवान के समान मानकर बनाए हैं, किसी का भी किसी तरफ हल्के की तरफ कोई ध्यान नहीं रहा है। इन्होंने सिर्फ मड़ाई खाई है और अपने मेले हॉस्टल के फ्लैट में जाकर लेट गए हैं। इन्हीं चीज़ों को दूर करने के लिए मैं अपने पूरे हल्के को विश्वास दिलाता हूँ, इनके हर एक आवाज़ को आगे तक ले जाऊँगा और इनके साथ मजबूती के साथ खड़ा रहूँगा, और कभी भी हमारे हल्के की आवाज़ को दबने नहीं दूंगा। ये मैं पूरी जनता से विश्वास दिलाता हूँ और विनती भी करता हूँ। भाई साहब,
सिर्फ कांग्रेस का राज रहा, बीजेपी का रहा, जेजेपी का रहा, इंडियन नेशनल लोकदल का रहा, किसान हमेशा पिछड़ता ही रहा है। किसान की किसी ने आवाज़ उठाई, क्या किसान की भी आवाज़ उठाओगे? किसान की आवाज़ उठाने के लिए तो मैं आया हूँ। जो मैंने देखे हैं, जो नेता हैं, जो हमारे नेता हैं, वही बात आ गई है, तो सब किसान का यूज कर रहे थे। मैं किसान का बालक हूँ, किसान परिवार में जन्मा हूँ, और हमारा जो भारत देश है और जो हरियाणा है, ये कृषि पर निर्भर है, और मैं उस गरीब किसान के परिवार से हूँ, और किसान की आवाज़ उठाने के लिए ही मैं आया हूँ। और मैं ये मेरे हल्के के सभी किसानों से वादा करता हूँ, मैं इनकी आवाज़ को कभी नहीं दबने दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, किसी भी हद तक गुजरना पड़ जाए। भाई साहब का कहना है, मैं किसान का बेटा हूँ और किसान की आवाज़ उठाने के लिए आया हूँ। मैं आज तक किसान की आवाज़ किसी ने नहीं उठाई है, न को पार्लियामेंट में, ना विधानसभा में, और छोटी से छोटी पंचायत में भी नहीं उठाई किसी MLA MP ने। आपकी पार्टी का मुकाबला किस पार्टी से रहेगा? हमारी पार्टी का मुकाबला किसी भी पार्टी से नहीं है, किसी भी पार्टी से कोई मुकाबला नहीं है। तो एक तरफी तीसरी बार BJP सरकार बनेगी, और ये किसान हितैषी सरकार है। किसानों को चाहे MSP की बात हो, चाहे युवाओं को जॉब की बात हो, चाहे वो किसी विकास कार्य की बात हो, रहे हमारे सरपंचों की बात हो, तो हमारे जो नायब सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो सरकार बनने जा रही है, ये हमारे हरियाणा का विकास बहुत ऊपर तक ले जाएगी, और किसानों की हर तरीके से मदद करेगी, और जो भी कोई किसी प्रकार की कमियां रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है और जनता को भी विश्वास है कि तीसरी बार नायब सिंह सैनी की सरकार में किसान बहुत आगे तक बढ़ेंगे और हमारा देश और हमारा हल्का तरक्की करेगा। पूरे हरियाणा में जो जुलवाणा क्षेत्र है वो सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ कोई डॉग नहीं, यहाँ कोई बस स्टैंड नहीं, यहाँ कोई लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं, यहाँ कोई रोड नहीं, बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। तो जुलवाणा के बाद ये जो विकास के कार्य हैं, इनकी भी उठाओगे? जी ज़रूर। जो ये आपने बताया है और मैंने भी खुद देखा है, चाहे वो हमारे रोड पे पानी खड़ा होने की बात हो, या ग्रामीणों के रोड की बात हो, या बस स्टैंड की बात हो, या किसी प्रकार के और औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, और जो कंपेयर टू करे तो अलग हल्के हैं। जैसे मैं पूरा इसी चीज़ को, जैसे सोनीपत, फरीदाबाद और गुड़गांव और पंचकूला जैसे विकसित, पानीपत जैसे विकसित हैं, उनकी तरह उनसे भी आगे ले जाने के लिए मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, और इनकी आवाज़ को उनसे भी आगे ले जाने का काम करूंगा, ये पूरा विश्वास दिलाता हूँ। भाई ने आज पूरा दौड़ गांव इकट्ठा करा के, मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार फिर दिखाइए, पूरा गांव बैठा है। देखो पूरे गांव की इस पे जिम्मेवारी है सबसे पहले, और गांव इस भाई का कितना साथ दे है, और ये गांव की जो जिम्मेवारी होगी उस पर कितना खरा उतरेंगे ये तो खुद ही जानेंगे। आगे भी हम इससे भाई से बात करते रहेंगे, और थोड़ा ग्रामीणों से भी करते हैं। आइए मेरे साथ। धन्यवाद भाई साहब। ये राधेश्याम के साहब का गांव का बेटा, अपना भतीजा, बहुत अच्छा लड़का है, यहीं पढ़ा बड़ा, ऐसा है लड़का। बेटा भी धोखा दे दिया, बीरबानी भी दे दिया, मेरा पट है। मैंने पूछा है कैसा है आज तक जिम्मेवारी, उस पर खरा उतरा कि नहीं उतरा? अब तक इसने कोई विशेष राजनीति में पहला ही कदम, राजनीति ने छोड़ो और बातों पर भी खड़े, और बातों पर पढ़िया लिखा है, अभी गांव में इसकी कहीं भी छोटी मोटी जरूरत पड़ी है तो इसने किसी का दिल नहीं दुखाया, अच्छा लड़का। यानी जो गांव में आज विश्वास जला उस पर खड़ा रहेगा, पूरी उम्मीद है। ठीक है, और भी हमारे साथ, और भी भाई साहब आप भी खड़े हो। क्या नाम आपका? रामेर। रामेर जी, आपका तो भगवान का नाम है, राम आ गया शुरू में, तो भगवान तो। राधेश्याम कैसा है? बहुत अच्छा लड़का है, ऐसा तो नहीं हो कहीं मड़ाई मुड़ी खाए के जुलाने की, कहीं जानदार है, जमींदार है, बड़का ने मड़ाई की देखी हो बेचारे ने, नहीं अमेले बनने के बाद, अमेले बनने के बाद, अमेले बनने पासे भी किसान का बेटा रहा होगा, मड़ाई यानी किसान का बेटा और किसान के बीच में रहेगा, किसान का बेटा रहा। ठीक है, आइए थोड़ा और बुजुर्गों से भी थोड़ी राय लेते हैं, सरपंच साहब भी जुड़े हैं। सरपंच साहब, एक ही बात, एक ही मुद्दा है, राधेश्याम का कैसा बंदा है? राधेश्याम हमारा छोटा भाई है, और आज तक इसने जो भी गांव का सहयोग की जरूरत पड़ी, जित भी हमने कई इसने कूड़ा हर एक जगह खड़ा उतरा है, और पूरा लगन थे और ईमानदारी थे पूरा सहयोग देगा, पूरा लगा का विकास करवाओगा, यानी पूरा गांव इसके साथ आज, पूरा गांव इसके साथ है, तन मन धन थे। देखो ये थे हमारे सरपंच साहब जिन्होंने गाँव की तरफ से विश्वास जला है। दोस्तों ये रूपरेखा सुनाई हमने दौड़ गाँव की, और राधेश्याम के साथ कितना गाँव है और ये कैसा है, तो बने रहिए टोरा दून के साथ। मैं हूँ दौड़ से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत।